Good afternoon to all of you. My name is Tamanna, your English teacher. Welcome to TED Buzzer. TED Buzzer Academy में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में हम जान डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो है क्विक जो है पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. क्विक पॉइंट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्विक पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर वर्जीनिया वुल्फ को डिस्कस किया था, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, तो ये जो जॉन डन, जॉन मिल्टन, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं जिनसे रिलेटेड कुछ क्विक पॉइंट्स जो कि हमें हेल्प करते हैं इजीली लर्न करने का, जो पॉइंट के इम्पोर्टेंट वर्क है उसके लिए. क्योंकि एग्जाम की जब एग्जाम हम एग्जाम का टाइम हमारे पास नज़दीक आ जाता है तो इतना टाइम तो हो नहीं पाता कि हम क्या करें कि नोट्स उठाकर उन नोट्स को रीड आउट करना स्टार्ट करते. तो ये कुछ क्विक पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक छोटी सी जल्दी से रीडिंग ले लें और चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें जल्दी से. तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सके. हाँ जी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि रोमांटिक्स के बाद अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर विक्टोरियन टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस पोइट रहे हैं वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. क्योंकि रोमांटिक्स के बाद जो रीडर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट था वो प्रोज के अंदर ज्यादा दिखाई दे रहा था. तो उस टाइम के अंदर क्या किया था, टेनिसन ने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया. तो इनकी जो पोइट्री थी वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुई और लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट भी काफी दिखाया. तो ये पोइट ल्योरेट भी रहे. विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद इन्हें पोइट ल्योरेट की उपाधि मिली. तो 42 ईयर्स तक ये पोइट ल्योरेट रहे हैं, काफी लंबे समय तक. ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की. हाँ जी, तो इनका जो बर्थ है वो 1809 को हुआ. ठीक है, तो इन्हें जो टाइम पीरियड जो है इनका 1809 जो है इनका बर्थ टाइमिंग है. तो पोइट ल्योरेट जो है इन्हें 1850 के अंदर, 1850 में इन्हें पोइट ल्योरेट की उपाधि मिल गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद. हाँ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद नेक्स्ट जो थे वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे जिन्हें पोइट ल्योरेट बनाया गया और 42 इयर्स तक ये पोइट ल्योरेट रहे हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम तक ये पोइट ल्योरेट रहे हैं. ठीक है, वॉल्ट विटमैन कॉल्ड हिम द बॉस. तो फेमस जो राइटर है इंग्लिश के अंदर वॉल्ट विटमैन, उन्होंने इन्हें द बॉस के नेम से बुलाया है. नेक्स्ट है हाउ मैनी कलेक्शन ही पब्लिश. तो टोटल इन्होंने 3 कलेक्शंस जो है वो पब्लिश किए हैं. कॉलेज वर ही स्टडीड, तो जो कॉलेज जो है जहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई थी वो थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. तो कैम्ब्रिज के अंदर इन्होंने अपनी स्टडी की है और कैम्ब्रिज के अंदर ही इनके 2 फ्रेंड बने थे. हाँ जी, कैम्ब्रिज के अंदर ही इनके 2 फ्रेंड बने थे. क्या नाम था उनका, आर्थर हालम, आर्थर हालम एंड विलियम हेनरी ब्रूकफील्ड. विलियम हेनरी ब्रूकफील्ड. तो इनकी जो स्टडी है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से रही है और कैम्ब्रिज में ये 2 पर्सन से मिले जो कि बाद में इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गए थे, आर्थर हालम एंड विलियम हेनरी ब्रूकफील्ड. जिसके अंदर आर्थर हालर जो है इनके बहुत लॉन्ग टाइम तक फ्रेंड रहे और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी इनकी इनके साथ. ठीक है, नेक्स्ट है द चोरिक सॉन्ग इज इन विच पोएम द लोटस ईटर्स. तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो एक सॉन्ग से होती है. चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर टिम्बक्टू. तो
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने टाइम के अंदर एक पोएम लिखी थी टिम्बक्टू, जो कि बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुई, रीडर्स को बहुत ज्यादा पसंद भी आई। तो इनका जो वर्क था टिम्बक्टू, उसके लिए इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है उन्हें अपने किस वर्क के लिए चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया था। तो वो वर्क कौन सा था? टिम्बक्टू। ठीक है जी, टिम्बक्टू जो वर्क था उसके लिए इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था। ये इनका बहुत ज्यादा फेमस वर्क था और रीडर्स को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। नेक्स्ट, बिकम पोएट लॉरेट। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि वर्ड्सवर्थ के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ही पोएट लॉरेट बने थे। ठीक है, और 1850 के अंदर इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया। ठीक है जी, 1850 के अंदर इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद, और अप्रोक्सीमेटली 42 ईयर्स तक ये पोएट लॉरेट बने रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट इनका जो वर्क है द प्रिंसेस, 1847 के अंदर इनका वर्क आया द प्रिंसेस, जो कि टोटली ब्लैंक वर्ड्स के अंदर था, विदाउट एनी राइम स्कीम, फ्री वर्ड्स के अंदर इन्होंने लिखा। तो जो इनका वर्क है द प्रिंसेस 1847 के अंदर आया, द प्रिंसेस रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, और ये जो इनका वर्क था ये किसके अंदर लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखा गया। तो इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल बर्थ से लेकर इनके टाइम तक इन्होंने अपने टाइम के अंदर क्या क्या काम किया था। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनकी कलेक्शंस कितनी थी। तो टोटल 3 कलेक्शन थी, हाउ मेनी कलेक्शंस ही पब्लिश, तो टोटल 3 कलेक्शंस जो इन्होंने पब्लिश की थी। और इनके कॉलेज के टाइम में जब इनकी स्टडी चल रही थी, जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था, कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो कंप्लीट की थी, तो उस टाइम के अंदर वहां पर इनके 2 जो फ्रेंड्स है वो बने, मेन फ्रेंड जो, जिनका क्या नाम था? आर्थर हालम और विलियम हेनरी ब्रोकफील्ड। ठीक है, जिसके अंदर आर्थर हालम से इनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रही थी, और उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो लॉर्ड अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन पर भी पड़ा था। ठीक है, बाद में इन्होंने एक जो वर्क, जो इनका फेमस वर्क रहा है टिम्बक्टू, उसके लिए इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर टिम्बक्टू। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 के अंदर ये क्या बने? पोएट ल्यूरेट बने। 1847 के अंदर इन्होंने वर्क लिखा द प्रिंसेस, जो कि टोटल ब्लैंक वर्ड्स के अंदर था। ठीक है जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनका जो वर्क था द प्रिंसेस जो 1847 के अंदर आया, तो वो जो वर्क था इनका वो ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखा गया। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है कि विदाउट एनी राइम स्कीम, लॉन्ग वर्ड्स के अंदर जब लिखा जाता है, तो ये जो पोएम थी ये 3000 लाइन की पोएम थी। तो फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई थी, 3000 लाइन्स थी इसके अंदर। तो द प्रिंसेस जो वर्क है वो 1847 के अंदर लिखा गया था, और किसके अंदर था? ब्लैंक वर्ड्स के। और ये जो इनका वर्क था, इस वर्क के अंदर इन्होंने किसकी बात की है? देखो, प्रिंसेस से ही स्पष्ट होता है, प्रिंसेस से मतलब रानी, बच्ची, कुमारी, जो भी आप समझ सको। इसके अंदर उन्होंने किसकी बात की थी? अबाउट राइट्स ऑफ विमेन, विमेन्स की राइट के बारे में बात की है इसके अंदर। ठीक है जी, तो द प्रिंसेस जो वर्क है 1847 के अंदर आया, ब्लैंक वर्ड्स के अंदर था, और अप्रोक्सीमेटली 3000 लाइन्स जो थी उसके अंदर लिखा गया था। और ये जो पोएम थी उनकी द प्रिंसेस किसके बारे में थी? अबाउट राइट्स ऑफ विमेन, विमेन्स की राइट्स की बात की है इन्होंने। ठीक है जी, इस वर्क के अंदर इन्होंने विमेन्स की राइट की बात की है। ठीक है, हाँ जी, नेम द प्रिंसेस, तो प्रिंसेस का नाम क्या था? इडिया। ठीक है, क्रॉसिंग द बार जैनर, तो नेक्स्ट जो इनका वर्क रहा है क्रॉसिंग द बार जैनर, वो क्या है? एक एलिजी है। हाँ जी, एलिजी क्या होती है? एलिजी क्या होती है? क्रॉसिंग द बार, ये जो इन्होंने लिखा था ये एक एलिजी थी। एलिजी क्या चीज है? सॉन्ग है, कोई पोएट्री है, क्या चीज है ये एलिजी?
जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि एलिजी क्या चीज है, कोई सॉन्ग है, कोई भजन है, हिम्प है कोई, या कोई पोएट्री है, क्या चीज है एलिजी जो कि इन्होंने लिखी थी। ठीक है जी, आपके आंसर का वेट करते हैं, तब बताते हैं कि इसका कंसर्न किसके साथ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनका वर्क द लेडी ऑफ शाइलॉट, ये क्या थी, एक लिरिकल बैलेट थी। देखो टेनिसन का जो वर्क है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क है, इसके अंदर मेनली चीज क्या है कि हमें हर टाइप की जो लिटरेरी हम टर्म्स कह सकते हैं या डिवाइसेस है, सबका इन्होंने यूज किया है। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है इनके किसी वर्क के अंदर जिसका यूज हमें ना मिले। जैसे कि प्रिंसेस को इन्होंने ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा, क्रॉसिंग द बार थी वो एक एलिजी थी, द लेडी ऑफ शाइलॉट क्या थी, एक लिरिकल बैलेट थी। जब हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ते हैं ना, ऐसे ये पोएट ल्यूरेट नहीं बन गए थे। जब हम इनके वर्क को पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने लिटरेचर के जितने भी हम कह सकते हैं लिटरेचर की ऑर्नामेंट्स है लिटरेचर लिखने की, उनको किस तरीके से इन्होंने यूज किया है वर्क के अंदर, वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो एलिजी क्या है, एलिजी एक मौन सॉन्ग है, विलाप पर गाया जाने वाला गीत, या फिर हम कह सकते हैं एलिजी क्या है, एक डेथ सॉन्ग है। ठीक है, किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत एलिजी, जिसको हम मौन सॉन्ग भी कहते हैं, MOURN, मौन सॉन्ग या फिर डेथ सॉन्ग, किसी की डेथ पर गाया जाने वाला गीत। और ये किसके लिए था, शॉर्ट पोएम शॉर्टली टेनिसन्स डेथ। ठीक है, किसके लिए था, टेनिसन की डेथ के पर, क्रॉसिंग द बार। ठीक है, लेडी ऑफ शाइलोट क्या थी, द लिरिकल बैलेट थी। हाउ मच टाइम टेनिसन स्पेंड एज यू लॉरेट, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अप्रोक्सीमेटली 42 ईयर्स जो है वो स्पेंड किए थे एज अ पोएट लॉरेट, 1850 to 1892 का टाइम था जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या बने थे, पोएट लॉरेट बने थे। ठीक है जी, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोएट ल्यूरेट रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, व्हाट वाज शाइलॉट अ आइलैंड। ठीक है, तो मास्टर मिस्टर कैडर की कोचिंग जो है ज्वाइन करने के लिए इंग्लिश आर्ट एंड क्राफ्ट, SST, पंजाबी, हिंदी के जो बैचेस हैं वो भी टेट बजर एकेडमी बठिंडा अबोर जो है वहां पर चल रही है, तो व्हाट्सएप करके आप या फिर कॉल करके जो है अपनी क्वेरीज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9710050500। तो कोचिंग से लेकर कोई भी क्वेरी हो आपकी कुछ भी, तो आप इस नंबर पर लिखकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। साइंस के जो बैचेस है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, वो भी टेट बजर अकेडमी में बहुत बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप व्हाट्सएप कर कर या कॉल कर कर अपनी क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाँ जी, अब उसके बाद जो वार है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी एक पोएम के अंदर एक वार का डिस्कशन किया था। वार क्या है, युद्ध है एक। ठीक है जी, Which war was described in the poem The Charge of the Light Brigade? तो उनकी जो poem है The Charge of the Light Brigade, उसके अंदर उन्होंने किस वॉर के बारे में बात की है? तो किस वॉर के बारे में बात की है, सीरमाइन वॉर। ठीक है जी, या फिर क्रिमियन वॉर भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इन मेमोरियल राइटन रिटन इन मेमोरी ऑफ, हाँ जी, इनका इम्पोर्टेंट वर्क टिम्बकटू के बाद जो इन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो अपने फ्रेंड के लिए लिखा था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेमोरियम लिखा था इन्होंने, वो किसकी मेमोरी के अंदर लिखा था, उनका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड था आर्थर हेनरी हलम, जिसे ये अपने कॉलेज टाइम के अंदर मिले थे कैम्ब्रिज में। ठीक है, जबकि इनका जो ये फ्रेंड था हालम, इसकी डेथ हो गई थी अचानक से जब वो सिर्फ 22 ईयर्स का था। ठीक है,
सो द इन मेमोरियम रिटन इन मेमोरी ऑफ टेनिसन्स रोट फॉर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम आफ्टर हालम सडन डेथ एज 22। जब हालम की डेथ हो गई 22 ईयर की एज के अंदर ही, ठीक है जी, तब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने उनके लिए एक मेमोरियम लिखा। ठीक है, उस मेमोरियम का जो मेन किसकी मेमोरी के लिए लिखा था उन्होंने, आर्थर हेनरी हालम के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द लेडी ऑफ शाइलोट। लेडी ऑफ शाइलोट के कितने पार्ट्स हैं, तो ये जो वर्क है इनका कितने पार्ट के अंदर डिवाइड है, 4 पार्ट के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो कौन सा था, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो भी क्या थी, एक फर्स्ट एलिजी थी इनकी। ठीक है जी, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो था उनका कौन सा था, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, जिसके अंदर इन्होंने नेक्स्ट जो है मैरिनिया भी लिखा, जो कि 1830 का वर्क है। नेक्स्ट जो इन्होंने वर्क जो अपना फ्रेंड के लिए लिखा था मेमोरियम, उसके अंदर जो लिरिक्स थी वो टोटली 131 थी। जो मेमोरियम इन्होंने लिखा उसके अंदर लिरिक्स की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, 131। और मेमोरियम जो है इन्होंने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम के लिए लिखा। हालम की अचानक जब डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 22, जब वो सिर्फ 22 ईयर का था, और हालम कौन था, उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड था, जब जो कि उन्हें कॉलेज टाइम में कैम्ब्रिज में मिला था। ठीक है जी, पोएम्स इन चीफली लिरिक्स 56। नेक्स्ट, मैरिना इंस्पिरेशन फ्रॉम केम फ्रॉम, हाँ जी, तो मैरिना जो इन्होंने लिखा, इनकी जो इंस्पिरेशन है इन्हें विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है मेजर फॉर मेजर से मिली। ओरिजिनल टाइटल ऑफ मेमोरियम द वे ऑफ सोल, हाँ जी, तो मैरिना का मेमोरियम का जो इम्पोर्टेंट टाइटल है जो कि इन्होंने हेनरी हालम के लिए लिखी थी, 131 लिरिक्स हैं जिसके अंदर। ठीक है जी, उसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, द वे ऑफ सोल। ठीक है, डेथ ऑफ आर्थर, हाँ जी, आर्थर की डेथ कब हो जाती है, आर्थर कौन है, यहाँ पर फुल नेम क्या था इसका, आर्थर हेनरी हालम, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फ्रेंड था, 22 ईयर की एज में उसकी डेथ हो जाती। ठीक है जी, डेथ ऑफ आर्थर 1833 एट द एज ऑफ 22। हाँ जी, टेनिसन रोड क्रॉसिंग द बार एट द एज ऑफ 81। हाँ जी, जब लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो है वो 81 ईयर्स के थे तब उन्होंने क्या लिखा था, क्रॉसिंग द बार। द डेविल एंड द लेडी, ये क्या था, एक थ्री एक्ट प्ले था। ठीक है, द डेविल एंड द लेडी ये क्या था, थ्री एक्ट प्ले था। तो ये प्ले जो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड था, थ्री एक्ट के अंदर। हाँ जी, अब मोड कौन है इसके अंदर, मोड कौन है, एक मोनोड्रामा है, 1855 के अंदर लिखा गया था। मोड क्या है, एक मोनोड्रामा है, 1855 के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट है, इन विच पोएम ही एंटीसिपेट्स हिज डेथ, तो ऐसी कौन सी पोएम है जिसके अंदर उन्होंने अपनी ही डेथ के बारे में क्या किया है, डिस्क्रिप्शन किया है, तो वो कौन सी पोएम थी, क्रॉसिंग द बार, ये क्या है, एक एलिजी है। ठीक है, अपनी ही डेथ के बारे में जहां पर उन्होंने क्या किया है, बताया है। नॉलेज कम बट विजडम लिंगर फ्रॉम विच पोएम अ लाइन, तो ये जो लाइन है नॉलेज कम बट विजडम लिंगर, कौन सी पोएम की लाइन है ये, लॉक्सले हॉल। ठीक है जी, कौन से, लॉक्सले हॉल, नेक्स्ट जो है, हाँ जी, टेनिसन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो देखो जब टॉपिक के स्टार्ट होते ही आपको बताया गया था कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, हाँ जी, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है कि रोमांटिक्स का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था, तो रोमांटिक्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था, जिसके कारण क्या था कि विक्टोरियन एज के जो ये बेहतरीन पोइट माने जाते हैं,
तो इनके ऊपर मेनली जो जॉन कीट्स हैं, पीबी शेली हैं, जॉन मिल्टन है, अलेक्जेंडर पॉप हैं, इनका बहुत ज्यादा क्या पड़ा था, इन्फ्लुएंस पड़ा था। तो ये याद रखना कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो किन से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जॉन कीट्स, पीबी शेली, जॉन मिल्टन और अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है जी। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट यील्ड, ये लाइंस जो है ये कहाँ से ली गई, यूलिसियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो एमए के अंदर है, हमें इसके बारे में पढ़ने को भी मिलता है। मास्टर्स के अंदर इस वर्क का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो है दिया गया है, सिलेबस में अलग से ये पॉइंट मेंशन की गई है, यूलिसियस, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक बेहतरीन वर्क जो है माना जाता है। हाँ जी। सेंसिटिव बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, विच सोसाइटी ही ज्वाइन सीक्रेटली इन कॉलेज डे, तो ऐसी कौन सी सोसाइटी थी जो इन्होंने सीक्रेट रखकर अपने कॉलेज टाइम के अंदर ज्वाइन की थी, द एब्स्टॉल्स। ठीक है, द एब्स्टॉल्स। वेयर डिड टेनिसन कंसीव द आइडिया फॉर टियर इडल टीयर्स, हाँ जी, इनका जो वर्क है टीयर्स इडल टीयर्स, ये लिखने के लिए ये आइडिया इनको कहाँ से आया, टिन टिन एबे को पढ़कर। नेक्स्ट, हु सजेस्टेड हिम टाइटल ऑफ इन मेमोरियम, तो ये टाइटल जो है इनको किसने सजेस्ट किया था, इनकी जो वाइफ थी एमिली सारा सेलवुड। ठीक है जी, जो इनकी वाइफ थी एमिली सारा सेलवुड ने इनको क्या किया था, सजेस्ट किया था। ही बिकेम बायरन टेनिसन इन 1884, टुक सीट इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है जी, ही बिकेम बायरन टेनिसन, तो बायरन टेनिसन ये बन गए थे 1884 के अंदर, टुक सीट्स इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो इन्हें सीट मिल गई थी, जगह मिल गई थी कहाँ पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ठीक है, तो इसलिए इनका जो नाम था वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बन गया। ठीक है जी। साइकिल ऑफ 12 पॉइंट्स, हाँ जी, तो इनका एक वर्क है जो कि एक साइकिल है 12 पॉइंट्स का, नरेटिव पोएम्स है, लॉन्ग पोएम है, वो कौन सा है, आइडियल्स ऑफ द किंग, जो क्या थी, एक नरेटिव पोएम थी। द टू वॉइसेस टाइटल थॉट्स ऑफ सुसाइड, हाँ जी, तो जो इनका वर्क है द टू वॉइसेस, उसका जो मेन थीम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड है थॉट्स ऑफ सुसाइड, सुसाइड की जो थॉट्स है वो माइंड में आते हैं, उस थीम के साथ इनका जो वर्क है द टू वॉइसेस टाइटल जो है वो काम करता है। ठीक है जी। तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उनके वर्क से रिलेटेड जो कुछ क्विक पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो, देखो उसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट कब बनाया गया। ठीक है, कौन से ईयर के अंदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो पोएट लॉरेट बने, उसके बाद कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो कितने टाइम तक पोएट ल्यूरेट बने रहे। ठीक है, कितने टाइम तक वो पोएट ल्यूरेट बने रहे। थर्ड, कौन से राइटर के बाद, ठीक है, कौन से राइटर के बाद वो पोएट ल्यूरेट बने रहे। ठीक है, अब देखो तो लॉर्ड टेनिसन जो है, देखो लॉर्ड टेनिसन जो है वो 1850 के अंदर पोएट लॉरेट बने थे। ठीक है, किसके बाद बने थे, आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। ठीक है जी, और इनका जो वर्क है, टाइम पीरियड है वो कितने टाइम तक का रहा, 42 इयर्स, 42 इयर्स तक ये पोएट लॉरेट रहे हैं। और इनके वर्क के अंदर हमें इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी हम कह सकते हैं कि जब कोई भी राइटर मान लीजिए कोशिश करता है अपनी राइटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की या अपने रीडर्स के लिए एक्सप्रेस करने की, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क में हर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है, चाहे वो ब्लैंक वर्स हो, चाहे वो लिरिकल बैलेड हो, या हम कहें चाहे वो एलिजी हो। तो इन्होंने क्या किया है, अपने सभी वर्क के अंदर उसको इजीली क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, ताकि रीडर्स जो है वो पढ़ने के साथ साथ लिटरेरी जो एलिमेंट्स हैं लिटरेचर के अंदर जो यूज किए जाते हैं उनको भी क्या कर सके, इजी से समझ सके। ठीक है, बाद में जब ये
इसके बाद इनका जो फेमस वर्क था टिबकटू, ठीक है, इन्होंने जिस जो कि बहुत ही फेमस रहा है और रीडर ने भी उसे पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, तो इसको टिबकटू वर्क जब इन्होंने लिखा तो इनको चांसलर गॉड मेडल दिया गया। ठीक है, तो ये जो कुछ क्विक पॉइंट्स है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड और उनके कुछ वर्क से रिलेटेड जो कि आपको हेल्प करेंगे टॉपिक्स को इजीली रीड आउट करने में। ठीक है, तो टॉपिक्स को रीड आउट करने में इजीली किस तरीके से ये आपकी मदद करते हैं कि हम जो मान लीजिए हमारे पास कोई टॉपिक है जैसे कि इनका ही वर्क ले लेते हैं द प्रिंसेस, तो उससे रिलेटेड कि वो कब पब्लिश किया गया और वो किस फॉर्म के अंदर लिखा गया और वो ब्लैंक वर्स में होने का उसका रीजन क्या था कि अप्रोक्सीमेटली 3000 जो लाइंस हैं जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने वर्क द प्रिंसेस के अंदर लिखी हैं। ठीक है, अब जो द प्रिंसेस है उसकी थीम क्या थी, अब थीम उसकी थी अबाउट द राइट ऑफ वीमेन, वीमेन की राइटिंग के बारे में उसमें उन्होंने बात की है। तो क्विक पॉइंट्स जो है वो हमें इसी चीज में मदद करते हैं कि हम चीजों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की बजाय किस तरीके से पढ़ेंगे चीजों को लिटिल लिटिल पॉइंट्स के साथ, ताकि वो क्या हो सके इजीली क्लियर आउट हो सके। ठीक है जी, तो आज की क्लास के अंदर जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उनसे रिलेटेड जो क्विक पॉइंट्स हैं वही यहीं पे खत्म होते हैं। कल हम न्यू सेशन के साथ आएंगे जिसके अंदर एमसीक्यू सीरीज जो की है हमारे टोटल जो क्विक पॉइंट्स हैं उनमें से हम उसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9710050500 पर मैसेज करके भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई क्वेरी हो या कुछ आपको मैसेज के थ्रू क्या है पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है जैसे कि पंजाब पटवारी हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, पंजाब पुलिस होगी, मास्टर लेक्चरर कैडर, PSTET 1, ETT, PSTET 2, BEd, NTT जॉब्स, ETT कैडर की जो प्रिपरेशन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत बढ़िया तरीके से टेट बजर एकेडमी में करवाई जा रही है। सभी सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो नंबर 1 तरीके से एकेडमी में करवाई जा रही है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9710050 पर कॉल करके या मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू सेशन के साथ जिसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू आर यू नो क्विक पॉइंट्स जो हैं उनसे डिस्कस करेंगे। क्विक पॉइंट्स से जितने भी हमने अब तक हमारी कॉन्टिन्यूस क्लासेस के अंदर क्विक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हैं, चाहे वो बेन जॉनसन है, ठीक है जी, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ हैं, चाहे वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, तो इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज रहे हैं वो हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की एक वंडरफुल क्लास के अंदर। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जुड़े जुड़े रहिए टेट बजर अकेडमी से। ठीक है जी, ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज।